हेलो फ्रेंड्स, कमर किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ तीन तरह की पेस्ट्री बनाना शेयर करेंगे जो बहुत ही टेस्टी होता है, बिना अंडा और बिना ओवन के बनकर रेडी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने इस तरह से ब्रेड स्लाइस लिया है, इसका हम किनारा निकाल लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेड स्लाइस के किनारा इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसके किनारे को हम फेंकेंगे नहीं, दूसरी हम डिश बनाकर रेडी कर लेंगे इससे। इस तरह से हमने सारी ब्रेड को काट लेंगे। ये देखिए, हमने रेडी कर लिया है ब्रेड किनारा निकाल कर। तो अब चलिए हम शीरा रेडी कर ले रहे हैं। तो शीरा रेडी करने के लिए हमने आधी कप चीनी लिया है और 2 से 3 चम्मच पानी। तो ये देखिए, हम इसको मेल्ट कर लेंगे। हमें इसका शीरा, चिपचिपा शीरा नहीं रेडी करना है, हल्का सा शीरा रेडी हो जाए बस। और ये देखिए, हमने क्रीम निकाल लिया है व्हिपिंग, और इसको हम इस तरह से मैश इसको हम रेडी कर लेंगे इस तरह से। और ये हमने दूसरा अब ब्रेड लिया है, अब इसको हम थाली में इस तरह से नीचे क्रीम लगाएंगे, उसके ऊपर ब्रेड, फिर उसके ऊपर क्रीम, और फिर उसके ऊपर से ब्रेड लगाएंगे। इसमें हम शीरा तैयार करे हैं जो, उसको हम इसके लगा देंगे और इसके ऊपर से फिर हम क्रीम लगाएंगे। और इसके ऊपर से हम फिर से ब्रेड लगा देंगे और शीरा लगाएंगे, फिर इसके ऊपर से क्रीम लगाएंगे। इस तरह से 5 से 6 लेयर हम इस तरह से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम इस तरह से इसका कोट कर लगा देंगे, इस तरह कोट कर देंगे क्रीम से, देखने में बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हम लगा देंगे। तो ये हमारा देखिए रेडी हो गया है। अब इसमें हम अब अलग हम एक कोन लेंगे और इसमें हम क्रीम डाल देंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट इस तरह से घिस कर डाल देंगे, जिसका लुक देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने देखिए चॉकलेट घिस कर डाल दिया और इसमें हम डिज़ाइन बना देंगे इस तरह से। और इस पर हम एक ऑरेंज की जेली रख देंगे। तो देखिए, हमारा प्यारा सा एक पेस्ट्री बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए अब दूसरी पेस्ट्री बनाने की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चॉकलेट लिया है, अब इसे हम चॉकलेटी पेस्ट्री बनाएंगे। तो हम सारे चॉकलेट इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे।
देखिए हमने सारे चॉकलेट निकाल लिया, अब इसे हम मेल्ट कर लेंगे एक बर्तन में। तो अब थाली हमने लिया, इस पर क्रीम पहले लगा देंगे थोड़ा सा, और इसके ऊपर से ब्रेड रखेंगे और इसमें शीरा लगाएंगे और इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे हम इस तरह से, और फिर से इसके ऊपर से हम ब्रेड रखेंगे और इसमें चाशनी लगाएंगे और इसके ऊपर से हम चॉकलेटी क्रीम लगाएंगे इस तरह से। चॉकलेट जो हमने अभी मेल्ट करके रखा था उसे हम इस तरह से ऊपर से लगाएंगे। चॉकलेट तो बच्चों का फेवरेट होता ही है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर से फिर हम चाशनी लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, इसी तरह से हम लेयर लगाते जाएंगे ऊपर। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी फ्रेंड्स, और ये बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी हमारा पेस्ट्री बनता है और बहुत ही जल्दी, कोई तामझाम नहीं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब इसके ऊपर से हम इस तरह से क्रीम का कोट लगा देंगे ऊपर से, और इस तरह से हम चॉकलेट एक साइड दो साइड चॉकलेट लगा देंगे और दो साइड क्रीम लगा देंगे इस तरह से हम बराबर से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने पूरे में इस तरह से लगा लिया है चॉकलेट और क्रीम। तो चलिए इसको हम गार्निश करते हैं। इस तरह से हमने इसको गार्निश कर देंगे अच्छे से, देखने में कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। और ये हमारा चॉकलेटी केक बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बहुत बच्चों का फेवरेट हमारा चॉकलेट पेस्ट्री बन गया है। तो इस पर हम चॉकलेट रख देंगे। तो चलिए हम तीसरी पेस्ट्री बनाने की तैयारी करते हैं। तो इस तरह हमने ओरियो बिस्कुट लिया है और इसको हम एक ग्राइंडर जार में इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। इसका हम क्रीम नहीं निकालेंगे क्योंकि क्रीम हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ये क्रीम इसमें ग्राइंडर कर लेंगे। इसके क्रीम से भी जो रहता है इससे भी हम इसको हम ऊपर से लगा सकते हैं। ये क्रीम है, तो हम इसका क्रीम नहीं निकालेंगे, पूरा क्रीम सोडा हम इसको मेल्ट करेंगे। पहले हम दूध इसमें डालकर पहले ऐसे ही हम ग्राइंड कर लेंगे, महीन कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम
आधा कप दूध डालेंगे। ये देखिए महीन हो गया है, अब इसमें हम दूध डालेंगे। आधा कप डालेंगे, जितना हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से डालेंगे। अब इसको हम फिर से चला लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम और दूध डालना है 2 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम ग्राइंडर जार में रख के ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पहले एक कढ़ाही चढ़ा दिया है गैस पे और इसमें हम स्टैंड रख दिए हैं, तो ये पहले से ही हीट हो रहा है। तो चलिए हम केक पैन को रेडी कर ले रहे हैं। तो इसमें हमने पहले घी से ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर बटर पेपर लगाया, बटर पेपर के ऊपर फिर से घी से ग्रीस कर लिया, और जो हमने पेस्ट बनाया है चॉकलेट का ओरियो बिस्कुट का, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हम डाल दिया है, इसको हम 2-3 बार डैप करेंगे और इसमें हम हीट कढ़ाही में इस तरह से रख कर और एक ढक्कन से ढक देंगे। और इसे 20 मिनट तक बेक करेंगे और 20 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट हमारा बना है। ये देखिए एकदम क्लीन निकल रहा है ये स्टिक, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब बहुत ही सावधानी से, गर्म है हमारी कढ़ाई तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे 5 मिनट तक, फिर इसके किनारी को हम चाकू से निकाल लेंगे धीरे धीरे से। तो ये देखिए हमारा बहुत ही आसानी से निकल आया फ्रेंड्स। ये केक हमारा बहुत ही आसानी से निकल आया है। अब इसे हम धीरे से इसका बटर पेपर निकाल देंगे और इसका साइड छाट देंगे। और बीच से हम चाकू से कट कर देंगे। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये केक बना है फ्रेंड। तो नीचे हम इस तरह से क्रीम लगा देंगे पहले और इसके ऊपर से हम ये केक रखेंगे। और केक के इधर उधर से भी हम किनारा साइड बराबर कर देंगे ताकि हमारा पेस्ट्री क्लीन बने। अब इसके ऊपर हम क्रीम इस तरह से लगा देंगे। और इसके ऊपर से हम ये केक रख देंगे। और इसके ऊपर से हम फिर से क्रीम लगाएंगे। अब इसको हम बीच से इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए एकदम आराम से कट गया हमारा। और इसको हम उठा के ऊपर इसके रख देंगे। और इसे हम फ्रिज में रख देंगे ना 5 से 10 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब चलिए पहले इसको हम गार्निश कर ले रहे हैं। ये इसके ऊपर से इस तरह से हम गार्निश कर देंगे।
और इसके ऊपर से हमें एक ओरियो बिस्कुट रख देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने जेली इधर उधर रख देंगे और हमारा मनपसंद बहुत ही प्यारा सा पेस्ट्री बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा तीनों पेस्ट्री बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही यम्मी सा, और बच्चों का फेवरेट, बच्चों के दुख देख के ही फ्रेंड्स खुश हो जाएंगे इसको देखकर। तो इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और हमारा ये अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा हमारा केक बना है। ऑरेंज और चॉकलेट और ओरियो बिस्कुट का पेस्ट्री बनकर रेडी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके साथ और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकें और बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स अगर कल फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।